सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज भी का हमारे आपके चैनल जीपीएस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप में बहुत से सुनने में से क्वेश्चन पूछा कि सर इस बार अकेडमिक ईयर 2020-21 का सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि सर हमारे अभी तक ऑनलाइन स्टडी सही से स्टार्ट नहीं हुई है, ना सर हम घर पे स्टडी सही तरीके से कर पा रहे हैं, तो सर क्या इस साल का सिलेबस चेंज होगा? तो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आप सभी को एक बुक के बारे में बताना चाहूंगा जो आपकी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा घर बैठ के। गाइस, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एडुकार्ड पब्लिकेशन की बुक है। गाइस, इस बुक को जो सीबीएसई इंडिया के जो सीबीएसई के एक्सपर्ट है उन सभी ने मिलकर इस बुक को बनाया है। गाइस, आपको इस बुक के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, इंपॉर्टेंट डायग्राम चैप्टर वाइज, सब कुछ चैप्टर वाइज मिल जाएगा। और गाइस, इस बुक के अंदर आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म, जो सीबीएसई ने अभी नया फरवरी के अंदर दीक्षा प्लेटफॉर्म पब्लिश किया था, उसकी हेल्प से इन्होंने इस बुक के अंदर एनसीईआरटी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्टडी करने में। ओवरऑल गाइज, मैं अगर आप इस बुक की बात करता हूँ तो गाइज, ये सभी अदर बुक की कंपैरिजन में काफ़ी रीजनेबल प्राइस के अंदर है और काफ़ी अच्छी बुक है। तो गाइज, अगर आप किसी नई बुक को परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूँगा कि आपको ये बुक परचेज करनी चाहिए। तो गाइज देखो, अभी तक सीबीएसई ने तो कुछ ऑफिशियली बताया नहीं कि वो कितना सिलेबस कम करेगा, लेकिन एचआरडी डिपार्टमेंट की तरफ से ये न्यूज़ मिल रही है कि जल्द ही सिलेबस कम हो सकता है। गाइज, कई न्यूज़ वेबसाइट पे आपको न्यूज़ मिल रही होगी कि 30% सिलेबस कम होगा, कोई कह रहा है 40% सिलेबस कम होगा। तो गाइज, मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक इसके ऊपर सीबीएसई ने कुछ ऑफिशियली बताया नहीं है। एचआरडी डिपार्टमेंट ने सिर्फ इतना बोला है कि जल्द सीबीएसई का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा कम होगा। अब गाइज, ये डिपेंड करता है कि कितना आपके कितने टाइम तक स्कूल्स वापस रीओपन नहीं होते, उस पर डिपेंड करता है। देखो गाइज, मेरे को जितना लगता है उसके हिसाब से कम 20-25% सिलेबस कम होगा इस बार सीबीएसई का। अभी कुछ दिन पहले गाइज, जो एचआरडी मिनिस्टर है वो जी न्यूज़ पे लाइव आए थे, तब उनसे सेम क्वेश्चन पूछा था कि कितना सिलेबस के अंदर कमी होगी, कितना सिलेबस कम किया जाएगा। तब उन्होंने अपना ये बोला कि अभी हमने काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कम किया है सीबीएसई का, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो एनसीईआरटी है उनकी जो टीम है और जो उनकी टास्क फोर्स है वो सिलेबस कम करने के ऊपर काम कर रही है, और जल्द इसके ऊपर नया आदेश आ सकता है। तो गाइज, आप टेंशन मत लो, सिलेबस कम होगा, आप वेट करो, आने वाला जो एक वीक है इसके अंदर मे बी ये हो सकता है कि सिलेबस के ऊपर कोई बड़ा अपडेट आ सकता है। गाइज देखो, मेरा पूरा ध्यान है, जैसे कोई सिलेबस के ऊपर कोई भी अपडेट आता है, चाहे वो एचआरडी डिपार्टमेंट की तरफ से हो, चाहे वो सीबीएसई की तरफ से हो, जैसे कोई छोटा बड़ा अपडेट आएगा आप सभी के काम का होगा, जरूर मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। अभी के लिए गाइज, आप सभी के लिए यही अपडेट है कि जल्द सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th का इस साल का सिलेबस कम हो सकता है। तो गाइज, मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, उसमें से कॉन्टैक्ट कर लो। वीडियो में बताइए बात अगर आपको सही लगी है तो अपने फ्रेंड्स से वीडियो जरूर शेयर करना, जिससे उनको भी ये गुड न्यूज़ मिल सके। तो दोस्तों, अपने फिल्म लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुन घर पर रहो, सेफ रहो।